Hi everyone, I hope you all are doing great. So today's video is related to trend analysis. इसका मैंने part 1, part 2, part 3 already upload किया है. So this is earlier it was balance sheet only, but this one is an income statement like a profit and loss account under management accounting trend analysis part 4. So this is the format. First you have to mention a P&L account, then particulars, amount, amount rupees. 3 year is given, 1, 2, 3. Normally trend के लिए 3 साल ही दिए होते हैं, maximum like 5, 6. And year 1 and trend means percentage calculate करना है, first year का, second year का, third year का. Okay, तो as usual हमारा same format ही रहेगा जैसे आता है हमारा vertical income statement का. First point आएगा net sales. Under net sales you have to mention whatever amount is given, and always remember जब भी 3 years दिया तो you have to find out which one is the smallest year. I am not saying the first year because sometimes you know it happened कि sometimes जो होता है वो 17, 18, 19 सपोज ऐसे है तो वो 19, 18, 17 से स्टार्ट करते हैं. सो दैट विल बी कन्फ्यूजिंग. दैट्स आई एम सेइंग कि यू हैव टू पिक अप विच एवर इज द स्मॉलेस्ट नंबर जो ईयर दिया है उसमें, उसको 100 एज्यूम करना है और उसी वैल्यू से फिर सारी वैल्यूज को डिवाइड करना. तो फर्स्ट आएगा नेट सेल्स, आफ्टर दैट लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, देन अंडर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, कैरिज एंड वर्ट, देन ये सब को ऐड करना है, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है. वट एवर अमाउंट यू विल गेट आफ्टर डिडक्टिंग दिस, दैट इज़ नोन एज वॉट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. अब जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया उसको हम माइनस करेंगे नेट सेल्स में से, तो जो डिफरेंस मिलेगा दैट डिफरेंस कॉल्ड एज वॉट ग्रॉस प्रॉफिट. 1 - 2, 1 इज नेट सेल्स, 2 इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. तो नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू पॉइंट नंबर 3, दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट. तो दिस इज बेसिकली द फॉर्मेट ऑफ पी एन एल अकाउंट. अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट पर्टिकुलर्स का एक कॉलम ड्रॉ करोगे, फिर 3 रुपीज़ के कॉलम ड्रॉ करोगे, 3% के कॉलम ड्रॉ करोगे. ओके, जो जो ईयर में आपको वैल्यूज दिया है वो आप सब्सटीट्यूट कर दोगे. देन जब ट्रेंड की बात आएगी, ट्रेंड मीन्स परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो जो भी सबसे छोटा ईयर होगा तीनों में से जो दिया हुआ है, सपोज अगर 2015, 16, 17 दिया है तो इन दैट केस आई विल कंसीडर 2015 वो बेस ईयर बिकॉज वो सबसे छोटा है. उसके कॉलम में मैं अभी यहाँ पे 1, 2, 3 दिया है. ओके, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल ओनली. 1, 2, 3 दिया है. 1, 2, 3 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1 है. तो 1 मेरे लिए क्या बन जाएगा? मैं उसको अज्यूम करूँगी कि वो क्या है? बेस ईयर है. तो बेस ईयर को मैं पूरा टॉप टू बॉटम 100 लिख दूंगी, वहाँ पे और कुछ नहीं आना है, सिर्फ 100 आना है. ओके, अब ये ईयर 2 का जो भी वैल्यू होगा उसको मैं डिवाइड करूँगी ईयर 1 के वैल्यू से और मल्टीप्लाई करूँगी दोनों को 100 से. तो इस तरह मेरे को ईयर 2 का मिल जाएगा. ईयर 2 मेरा करंट ईयर है, तो करंट ईयर डिवाइडेड बाय ईयर 1 मतलब बेस ईयर इंटू 100. इस तरह से आपको करंट ईयर का, सेकेंड ईयर का ये मिल जाएगा, ट्रेंड मिल जाएगा. ऑन दी अदर हैंड आप थर्ड ईयर का ट्रेंड निकालना है, तो थर्ड ईयर इज माई करंट ईयर डिवाइडेड बाई द बेस ईयर. बेस ईयर इज एक्चुअली ईयर 1 इंटू 100. तो इस तरह मुझे ईयर 3 का भी वैल्यू मिल जाएगा. इज दैट ओके? सो अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस फॉर्मेट इज सिमिलर लाइक व्हेन आई डिस्कस फर्स्ट चैप्टर, दैट इज वर्टिकल बैलेंस शीट एनालिसिस और वर्टिकल पी एन एल एनालिसिस. दैट टाइम आई टोल्ड यू कि ये फॉर्मेट हर जगह काम आने वाला है. तो देखो अब ये चैप्टर में भी काम आ रहा है. पहले नेट सेल्स आया, उसमें से हमने लेस करना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंडर क्या आएगा? पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक जो भी दिया होगा, फिर उसमें हम परचेजेस ऐड करेंगे जो दिया है, फिर कुछ वेजेस दिया होगा वो ऐड करेंगे, कैरियज एंड वर्ट दिया होगा वो ऐड करेंगे. अब सब ये सब ऐड कर लेंगे, फिर उनमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक. तो जो ये लेस करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा, दैट वैल्यू टर्म्ड एज व्हाट? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. अब नेट सेल्स जो है वो पॉइंट नंबर 1 है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो पॉइंट नंबर 2 है. तो 1 - 2, इट मींस नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो डिफरेंस आएगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट. अब आगे बढ़ते हैं. ये तो पॉइंट नंबर 3 आ गया. पॉइंट नंबर 4 क्या आएगा? सो पॉइंट नंबर 4 में आएगा लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. तो अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक हेडिंग है, उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आएगा ऑफिस एक्सपेंसेस. जो भी ऑफिस के रिलेटेड दिया होगा लाइक प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, देन स्टाफ सैलरी, वॉट एवर, जो भी मतलब ऑफिस रिलेटेड है वो सारा यहाँ पे आ जाएगा.
उसके बाद में सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस लाइक सेल्समैन सैलरी, फ्री सैंपल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग, वॉट एवर दैट कम्स अंडर वॉट सेल्स, सेलिंग एक्सपेंसेस. उसके बाद में होता है फाइनेंस एक्सपेंसेस विच इज़ रिलेटेड टू इशू और यू नो सेल ऑफ समथिंग लाइक फाइनेंशियल एक्टिविटीज में फाइनेंस अराइज हो रहा है बेसिकली लाइक इशू ऑफ शेयर्स और सेल ऑफ शेयर्स वो आ जाएगा. अभी तीनों को ऐड कर लेंगे, इनके टोटल को बोला जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. अब पॉइंट नंबर 5 आता है नेट प्रॉफिट. तो नेट प्रॉफिट किसे मिलेगा, पॉइंट नंबर 3 माइनस पॉइंट नंबर 4. तो पॉइंट नंबर 3 क्या है, पॉइंट नंबर 3 था मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से मैं माइनस करूँगी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 4. जो डिफरेंस आएगा दैट इज़ नोन एज व्हाट, नेट प्रॉफिट. आफ्टर दिस नेक्स्ट आ जाएगा पॉइंट नंबर 6 नॉन ऑपरेटिंग इनकम. तो अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो भी दिया होगा क्वेश्चन में दिया होगा वो आपको लिखना है. पॉइंट नंबर 7 है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो भी जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए होंगे वो आपको लिख देना है. अब पॉइंट नंबर 8 कैसे मिलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलता है जब आप पॉइंट नंबर 5 प्लस पॉइंट नंबर 6 माइनस 7 करोगे तो पॉइंट नंबर 8 आएगा. पॉइंट नंबर 5 क्या है, पॉइंट नंबर 5 है नेट प्रॉफिट प्लस पॉइंट नंबर 6 है नॉन ऑपरेटिंग इनकम और पॉइंट नंबर 7 है माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. तो जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. अब क्वेश्चन में आपको दिया होगा इनकम टैक्स, तो उसको लेस करेंगे इनकम टैक्स, जो भी लेस करने के बाद अमाउंट आएगी दैट इज़ नोन एज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. सो दिस इज़ द एक्चुअल फॉर्मेट ऑफ ट्रेंड एनालिसिस, इनकम टैक्स एनालिसिस, आई मीन इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस. ओके, तो ये ट्रेंड इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस का फॉर्मेट है. अब इसके बेसिस पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, एक एग्जाम्पल लिया है, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड ईजीली कि इसका एग्जाम्पल क्या है, आई मीन किस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा. क्योंकि ऐसे अगर मैं बताऊँगी विदाउट डिस्प्ले तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड. तो लेट्स गेट क्विकली स्टार्ट दैट क्वेश्चन. अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है फॉलोइंग बैलेंसेज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ फ्रीमा लिमिटेड. ओके, अब अंडर पर्टिकुलर्स योर 3 इयर्स आर गिवन 2015, 16 and 17. अब यहाँ पे दिया है नेट सेल्स है 30,000 फॉर 2015, 40,000 फॉर 16 एंड 50,000 फॉर 17. आगे दिया है ओपनिंग स्टॉक 3,000 फॉर 15 एंड 2016 के लिए है 5,000, 17 के लिए दिया है 7,000. परचेजेस आर 17,000 फॉर 2015, 19,000 फॉर 2016 एंड 20,000 फॉर 2017. वेजेस आर गिवन 1,500 फॉर 2015, 16 के लिए है 3,000 एंड 17 के लिए है 2,000. कैरिज इन 2,000 फॉर 2015, 4,000 फॉर 2016 एंड 4,000 फॉर 2017. क्लोजिंग स्टॉक्स आर गिवन 5,000 फॉर 2015, 2016 के लिए दिया है 7,000, 2017 के लिए दिया है 6,000. ऑफिस एक्सपेंसेस आर गिवन फॉर 2015 इट्स 1,000 एंड 1,200 फॉर 2016 एंड 17 के लिए दिया है 1,500. आगे है सेलिंग एक्सपेंसेस 700 फॉर 2015, 900 फॉर 2016 एंड 1,000 फॉर 2017. देन फाइनेंस एक्सपेंसेस आर गिवन 600 फॉर 2015, 1,000 फॉर 16 एंड 2,000 फॉर 17. नेक्स्ट है नॉन ऑपरेटिंग इनकम 800 फॉर 2015, 900 फॉर 2016 एंड 2017 के लिए है 1,000. नॉन ऑपरेटिंग incomes are given, non-operating expenses are given 500 for 2015 and 16 ke liye diya hai 300, 17 ke liye 500. Total is given, I mean tax jo diya hai, total tax is given 40% for 2015, 16 ke liye hai 40% and 2017 ke liye bhi 40% hai. It means income tax jo hai wo same charge kiya hai every year. So let's see kis tarah se hum solve karte hain. Aage bhi question diya hai. You are required to prepare vertical trend analysis income statement from the above. इनके पहले जो मैंने questions करवाए हैं उनमें दिया है आपको balance sheet, but यहाँ पर clearly mention किया है कि आपको income statement prepare करना है दिए हुए data से, जो मतलब दिया है, जो दिया हुआ है उससे आपको income statement prepare करना है. तो let's without wasting time get start our क्वेश्चन. सो पहले ऊपर लिखेंगे रीमा लिमिटेड वर्टिकल ट्रेंड एनालिसिस इनकम टैक्स पार्टिकुलर्स रुपीज़ रुपीज़ रुपीज़
परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज. ओके, पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड. मैंने यहाँ पे 15 16 17 ने लिखा है, ईयर 1 2 3 लिखा है, 15 16 17 लिखिएगा. तीनों में से ईयर 1 जो है वो सबसे छोटा नंबर है, है ना, 2 3 के अकॉर्डिंग. तो ईयर 1 को मैं डायरेक्ट 100 लिख दूंगी. अब मेरा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैं पहले लिखूंगी नेट सेल्स, जो कि ईयर 1 के लिए दिया है 30,000, ईयर 2 के लिए दिया है 40,000 और ईयर 3 के लिए दिया है 50,000. अब मुझे क्या करना है, मेरा बेस ईयर ढूंढना है. तो बेस ईयर मेरे को पता है तीनों में से छोटा जो है वो बेस ईयर होगा. तो तीनों में से छोटा है ईयर 1, वो बेस ईयर होगा जो है 30,000. तो मैं 30,000 दिया है. करंट ईयर क्या है, 2 है मेरे पास, एक 40,000 है और दूसरा ईयर 3 है 50,000. तो जो 40,000 है उसे मुझे डिवाइड करना 30,000 से इनटू 100, तो मिल जाएगा 133. ओके, नेक्स्ट है 50,000 डिवाइड बाय 30,000 इनटू 100, तो ये आ जाएगा 167. आगे मेरे को सेकंड पॉइंट लिखना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. ये अंडरलाइन करना है और ये हेडिंग के अंडर आएगा ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक इज गिवन फॉर ईयर 1 3,000, ईयर 2 5,000, ईयर 3 7,000. अब बेस तो हमने 100 लिख दिया है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है. अब ईयर 2 का काउंट करेंगे, तो ईयर 2 इज 5,000 डिवाइडेड बाय ईयर 1, दैट इज बेस ईयर 3,000 इनटू 100, तो ये आ जाएगा 167. फिर ईयर 3 को डिवाइड करेंगे, आई मीन 7,000 डिवाइड बाय 3,000 इनटू 100, तो ये मिलेगा 233. आगे आते हैं परचेजेस पे. परचेजेस दिया है ईयर 1 का 17,000, ईयर 2 19,000. तो नाउ माय करंट ईयर इज 19,000 डिवाइडेड बाय बेस ईयर 17,000 इनटू 100, तो ये आ जाएगा 112. अब थर्ड करंट ईयर मेरा जो, आई मीन सेकंड ईयर करंट ईयर जो है वो है 20,000 डिवाइडेड बाय बेस ईयर 17,000 इनटू 100, तो ये मिलेगा 118. नेक्स्ट इज वेजेस. वेजेस दिया है 1500 फॉर बेस ईयर, करंट ईयर 3000, 3000 डिवाइड बाय 15 ईयर इनटू 100, तो आ जाएगा 200. देन 2000 करंट ईयर डिवाइडेड बाय 1500 इनटू 100, तो ये मिलेगा 133. अब नेक्स्ट है कैरिएज इनवर्ट, जो कि दिया है बेस ईयर का 2000, करंट ईयर का है 4000, तो 4000 डिवाइड बाय 2000 इनटू 100, तो आएगा 200. एंड थर्ड वन विल बी सेम, 4000 डिवाइड बाय 2000 इनटू 100, 200. अब लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है, तो फॉर आर अंडरस्टैंडिंग आई पुट अ ब्रैकेट सो दैट यू इजीली अंडरस्टैंड कि इसे माइनस करना है. ओके, थोड़ा सा डिफरेंस एक हिंट है. तो 5000 माइनस करेंगे इसमें से, ओके, तो मिल जाएगा 18,500. 7,000 सब में से माइनस किया तो मिलेगा 24,000. आफ्टर दैट 24,000 मिल गया, फिर 27,000 मिल जाएगा थर्ड वाला. अब हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे 100 हमने लिखा है. अभी देखो कुछ लोग क्या करते हैं ना, यू नो, सब में से माइनस करते हैं 140. नहीं भाई, ऐसे नहीं करना है. आपको क्या करना है, जो 24,000 है ना करंट ईयर का, उसे डिवाइड करना है बेस ईयर से. बेस ईयर दिया हुआ है 18,500 इनटू 100, तो ये मिलेगा 130. ओके, मैंने काफ़ी बार ही देखा लोग माइनस करते हैं. माइनस नहीं करना है, हमारा जो फॉर्मूला हमको वही यूज़ करना है. 27,000 दिया है सेकंड करंट ईयर का, तो उसे डिवाइड करेंगे बेस ईयर से, दैट इज़ 18,500 इनटू 100, पे आ जाएगा 146. अब आगे क्या करना है, 1 माइनस 2, मतलब नेट सेल्स में जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का वैल्यू मिला है उससे माइनस करेंगे, तो 30,000. अब यहाँ पे कैसे करेंगे, 1 माइनस 2 है, तो 1 मेरे पास कितना था, 30,000 नेट सेल्स का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब 2 18,500, तो डिफरेंस आएगा 11,500, राइट. फिर 40,000 है माइनस 24,000, तो मिल जाएगा 16,000. 50,000 माइनस 27,000, तो मिलेगा 23,000. अब ये बेस ईयर का तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो हमने सॉर्टेड है, 100 लिख लिया है. अब क्या करेंगे, करंट ईयर का 16,000 है, उसे डिवाइड करेंगे 11,500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 130. उसके बाद में 23,000 है जो करंट ईयर है मेरा, उसे मैं डिवाइड करूँगी बेस ईयर. बेस ईयर है मेरा 11,500 इनटू 100, तो ये मिलेगा 200. ओके, इसी तरह से हम आगे कंटिन्यू करेंगे. लेट्स सी आगे क्या आएगा. आगे कंटिन्यू करते हैं. पॉइंट नंबर 4 है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ये हेडिंग है, इसके अंडर आते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस, जो कि दिया हुआ है ईयर 1 के लिए 1000, ईयर 2 के लिए 1200 एंड ईयर 3 के लिए 1500. तो हमने बेस ईयर तो 100 अज्यूम कर ही लिया है. अब 1200 जो है मेरा करंट ईयर, उससे मैं डिवाइड करूँगी बेस ईयर से, दैट इज 1000 इनटू 100, तो मिलेगा 120. फिर थर्ड वाला है 1500 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 100, तो आ जाएगा 150. उसके बाद में आएगा सेलिंग एक्सपेंसेस, जो दिया है 700, 900, 1000.
तो मैं क्या करूँगी, 900 को डिवाइड करूँगी 700 इंटू 100 तो मिलेगा 120, फिर 1000 डिवाइड बाय 900 आई मीन 1000 डिवाइड बाय 700 तो मिलेगा 1 इंटू 100 टू 143। हमें फाइनेंस एक्सपेंसेस जो दिया हुआ है 600, 1000, 2000, तो बेस ईयर 100 है। अब 1000 को मैं डिवाइड करूँगी 600 से इंटू 100 तो आ जाएगा 129, फिर 2000 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100 तो आएगा 333। नेक्स्ट जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब इन सब का टोटल, ओके 1000 प्लस 700 प्लस 600 तो ये मिलेगा 2300, फिर 1200 प्लस 900 प्लस 1000 तो ये आ जाएगा 3100, फिर 1500 प्लस 1000 प्लस 2000 ये आएगा 4500। अब 100 एज इट इज़ लिखेंगे, अब क्या करेंगे 3100 जो है उसे डिवाइड करेंगे 2300 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये मिलेगा 167, आगे आएगा 4500 डिवाइडेड बाय 2300 इनटू 100 तो आ जाएगा 196। उसके बाद में पॉइंट नंबर 3 में से पॉइंट नंबर 4 माइनस कर देंगे, मतलब क्या करेंगे प्रॉफिट में से हम क्या माइनस कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो सारे, तो ये मिल जाएगा 9200, 12900, 18500, 100। अब 12900 को डिवाइड करेंगे 9200 से इनटू 100 तो ये आ जाएगा 140, फिर 18500 डिवाइडेड बाय 9200 तो ये आ जाएगा 201। नेक्स्ट है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम दी हुई है 800, 900 एंड 1000। पहले वाला बेस ईयर का तो 100 लिख लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 900 डिवाइड करेंगे 800 से इनटू 100 तो ये आ जाएगा 113, फिर 1000 डिवाइडेड बाय 800 इनटू 100 तो ये आएगा 125, ओके। फिर है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि दिया है 500, 300, 500, 100, तो सेम यहाँ पे वो टाइपिंग एरर हो गया है, तो प्लीज़ यू रिमेंबर आपको उसको कैलकुलेट करना है। क्या करोगे आप 300 को 500 से डिवाइड करोगे जो आएगा वो लिखोगे, फिर 500 को 500 से डिवाइड करोगे तो नील आएगा, तो नील ही आ जाएगा। लास्ट वाला करेक्ट है, खाली बीच वाला गड़बड़ हुआ, आप चेक कर लेना। फिर है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये क्या आएगा पॉइंट नंबर 5 प्लस 6 माइनस 7, इट मीन्स 9200 प्लस 800 माइनस 500 तो ये मिलेगा 9500। आगे है 12900 प्लस 900 माइनस 300 तो ये मिल जाएगा 13500। आगे आता है 18500 प्लस 1000 माइनस 500 तो ये आ जाएगा 19000। अब 100 एज इट इज़ लिखना है, 13500 डिवाइड बाय 9500 इनटू 100 तो ये आएगा 142। नेक्स्ट है 19000 डिवाइड बाय 9500 इनटू 100 तो ये मिलेगा 200। आगे है लेस इनकम टैक्स, इनकम टैक्स 40% दिया है, तो जो भी 9500 आया है उसका 40% निकाला तो वो मिलेगा 3800। ब्रैकेट मैंने इसलिए डाला है कि आपके ईज के लिए, किससे माइनस करना ये समझ आए। फिर 13500 का 40% तो आएगा 5400। लास्ट है 19000 का 40% आएगा 7600। 100 एज इट इज़ लिखना है, 5400 डिवाइड बाय 3800 इनटू 100 तो ये मिल जाएगा 142। फिर है 7600 डिवाइड बाय 3800 तो मिलेगा 200। आगे आएगा पॉइंट नंबर 8 माइनस 9, दैट मीन्स नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, तो 9500 माइनस 3800 तो ये मिलेगा 5700। नेक्स्ट है 13500 माइनस 5400 तो ये आएगा 8100। फिर है 19000 माइनस 7600 तो आएगा 11400। 100 एज इट इज़ आएगा, अब 8100 को हम डिवाइड करेंगे 5700 से इनटू 100 तो ये मिल जाएगा 142। फिर 11400 डिवाइड बाय 5700 इनटू 100 तो ये मिलेगा 200। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना, दिस इज़ वेरी सिंपल, ओनली यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, वॉट एवर ईयर्स आर गिवेन यू हैव टू कंपेयर विच एवर इज़ अ स्मॉलेस्ट नंबर, कंसीडर दैट इज़ अ बेस ईयर एंड करंट ईयर जो भी दिया है उसको आपको डिवाइड करना है, बेस ईयर की अमाउंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई करना है 100 से। बस यही एक लॉजिक है जिससे आप क्विकली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और कुछ नहीं है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ मेल। आई होप ये वीडियो सबको समझ आई होगी ये क्वेश्चन, इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी प्लीज़ मेल मी ऑन द गिवन ईमेल आईडी, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। Thank you so much for watching my YouTube channel. See you soon with a new video. Till the time, bye. Take care, everyone.